हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। तो भाई आज की वीडियो ना कुछ स्पेशल होने वाली है। स्पेशल कैसे कि गाड़ी, क्योंकि कार हर इंसान का सपना होता है कि यार गाड़ी खरीदें। तो नई गाड़ी खरीदना तो हर किसी के बस की बात होती नहीं है। देखो हमारे बस की भी नहीं थी। तो जब भी इंसान एक गाड़ी परचेज करता है तो स्टार्टिंग में सोचता है कि सेकेंड हैंड गाड़ी ही। तो हमने भी सेकेंड हैंड गाड़ी ही ली थी। तो आज कुछ टिप्स देने वाले हैं यार सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के हिसाब से, कि आप अगर पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं 2012, 13, 10 मॉडल, 10 साल 12 साल पुरानी गाड़ी, तो उसके लिए कुछ टिप्स देने वाले हैं ताकि आपके काम में आएंगे। तो बस आप वीडियो में ऐसे बने रहो और वीडियो का स्किप मत करो, पूरी वीडियो देखो ताकि आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाए या कोई चीज़ होने से बचे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला पॉइंट जो है अपना वो है बॉडी लाइन। सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं है, जैसे कि आसपास गाड़ी के अराउंड देखिए कि गाड़ी में क्या है, कहीं से कोई स्क्रैचेस है, कहीं डेंट है। देखिए इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि साइड प्रोफाइल देखें गाड़ी की, साइड से कहीं देखो स्क्रैचेस का क्या पार्ट है, स्क्रैचेस हो जाते हैं वो आगे के पॉइंट में कवर करेंगे अपन। पहले अपन बॉडी लाइन को चेकअप करते हैं कि यार बॉडी में कहीं से कोई डेंट तो नहीं है, कोई पार्ट, कोई ज़्यादा माइनर सी चीज़ चल जाती है, बाकी कोई ज़्यादा डेंट तो नहीं है। पूरी गाड़ी के वॉक अराउंड देखें, पूरी गाड़ी के आसपास अच्छी तरह इंस्पेक्ट करें। और जैसे कि आप देखते हैं ना, हमको ना ग्लास में देखिए, यहाँ दिखाई ग्लास में कुछ ऐसे ना हुंडई की या जो भी कंपनी की गाड़ी उस तरफ से बैजिंग मिलती है ताकि पता लगता है कि गाड़ी ये मेरा जो है या ओरिजिनल है या नहीं है। तो इससे पता लग जाएगा आदमी के रेट चेंज हुए हैं या क्या है। अगर एक्सीडेंटल है तो गाड़ी चेंज हुआ हुआ है, पक्की सी बात है। सब तरीके से अच्छी तरह गाड़ी को इंस्पेक्ट कीजिए कि कहीं से कुछ नहीं। और एक जो मेन चीज़ है ना काफ़ी जो आप देख रहे हैं, वो आप अपने ना ऐसे डोर वाइजर्स को खोल के ऐसे चेक कीजिए, गाड़ी थोड़ी गंदी है माइंड मत करना, ताकि कहीं से इसमें डेंट नहीं हो, कहीं से पेंट नहीं हो, यहाँ पे जो नीचे की बॉडी है ये कहीं से डेंट पेंट नहीं हो। जिस चीज़ से क्या हमको आइडिया लग जाएगा कि यार कहीं अगर हम मानिए कहीं से क्रैश हुई भी है, क्लैश हुई भी है चीज़, तो आपको पता लग जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो है काफ़ी गाड़ी की मेन चीज़ है, देखो इंजन। इंजन को आप अच्छी तरीके से चेक करें। तो हम आपको इंजन का साउंड सुनाते हैं कि अगर पुरानी गाड़ी देखो बिल्कुल फ्रेश तो नहीं मिलेगा, लेकिन चेक करना अपनी बनता है। तो इसको आपकी आवाज़ सुनाते हैं, बोनट को खोलते हैं यहाँ से। तो जैसे आप देख रहे हो इसकी आवाज़ जो है वो तो देखा जाए काफ़ी कम आ रही है कंपेयर टू और चीज़। और गाड़ी जो है वो फिर भी काफ़ी क्लियर लग रही है, काफ़ी साफ लग रही है, कहीं से भी कुछ एक्सीडेंटल वाला पार्ट दिख नहीं रहा है इसमें। सारी वायरिंग्स वगैरह भी चेक करें अच्छे से, कहीं कोई टेपिंग नहीं हो, कोई पार्ट कहीं से कोई वायर निकला हुआ नहीं हो। अभी आप देख सकते हो हालांकि ये 2011 मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी काफ़ी ठीक रखी थी, इंजन काफ़ी अच्छा रखा हुआ है इसका। थर्ड पार्ट जो अपना है वो है गाड़ी की बैटरी। गाड़ी की बैटरी काफ़ी वर्किंग स्टेज में होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर अच्छी भी है ना तो वर्किंग स्टेज में, ताकि गाड़ी स्टार्ट इसी से होती है भाई। तो अच्छे से चेक करें कि यार बैटरी कम से कम इतनी तो हो, अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो कम से कम 6 महीने तो आपके अच्छे से निकले। तो भाई चौथा पॉइंट जो है अपना वो आता है टायर्स। गाड़ी के टायर्स भी ना एटलीस्ट इतनी ग्रिप हो कि यार आप गाड़ी, हालांकि गाड़ी पुरानी खरीद रहे हो, बाकी ये चीज़ एज अ बाइंग गाइड है तो इसको ध्यान में रखना है अपने को। तो आप जैसे टायर देख रहे हो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे टायर मिले थे हम लोग को, काफ़ी सही टायर है, हालांकि टायर साइज़ का थोड़ा छोटा है, इसलिए गाड़ी के अकॉर्डिंग, गाड़ी हैचबैक है उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब चारों टायर अच्छी तरीके से देखिए कि कहीं कोई कट लगा हुआ तो नहीं है टायर में, टायर की ग्रिपिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें ना हमको अच्छे से ध्यान में रखनी होती है। ये काफ़ी ना वैसे देखा जाए तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, बाकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टायर यार गाड़ी टायर से ही चलती है सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ काफ़ी मेन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो और साथ में ना इसका स्पेयर टायर भी आपके साथ हो, ताकि कहीं आप जाएँ कहीं गाड़ी पंचर हो जाए कोई चीज़ हो, तो वो काफ़ी मेन चीज़ है। तो आप पांचों टायर आपको गाड़ी अच्छे मिलने चाहिए।
तो भाई पांचवा पॉइंट जो अपना आता है वो है गाड़ी का इंटीरियर। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ गाड़ी पुरानी है, बट पुरानी है तो लेकिन हमारे लिए तो नहीं है ना, हम लोग फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीद रहे हैं पुरानी, तो ये चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। हालांकि कई बार क्या होता है गाड़ी में इंटीरियर, आप 10 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो उसका इंटीरियर हो सकता है आपको इतना अच्छा नहीं मिले। हमारी गाड़ी 2011 मॉडल है, बट इसका इंटीरियर आप देख सकते हो, गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, काफ़ी मेंटेन है गाड़ी, सब चीज़ें आप देख सकते हो। डैशबोर्ड पे कोई स्क्रैचेस नहीं है ज़्यादा, MID पे कोई ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है, सब चीज़ें अच्छी रखी हुई हैं, हमारे डोर्स सब सही है, सीट कवर देख सकते हो। हालांकि सीट कवर जो है थोड़े डल हैं, बाकी पुरानी गाड़ी है यार तो वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। बाकी ये है, ये चीज़ें आप देखोगे, जितनी अच्छी आपको मिल जाए वो आपका नसीब है और हक भी है यार, सीधी सी बात है कि आप पैसे दे रहे हो किसी चीज़ से, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। तो भाई छठा और लास्ट पॉइंट जो है अपना वो आता है गाड़ी का कलर। हालांकि हो सकता है गाड़ी आपकी रीपेंट मिले, मे बी कई बार क्या होता है कि गाड़ी माइनर सी कहीं अड़ जाती है, भिड़ जाती है, तो माइनर सा पार्ट चल जाता है, काफ़ी थोड़े बहुत स्क्रैचेज हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर भी अच्छे से इंस्पेक्ट करें। लेकिन हो सकता है मे बी आपको कई बार फेंडर होता है उसको आपको अक्सर रीपेंट मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है साइड डोर्स हो गए, डोर्स में भी अक्सर कहीं आसपास से हल्की सी अड़ जाती है, कई बार गाड़ी लेडीज़ भी चलाती हैं, कई छोटे लड़के 18-19 साल 20 साल के बच्चे भी चलाते हैं गाड़ी, तो वो कई बार अड़ जाती है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट कोई मेजर पार्ट ऐसा नहीं हो जो पेंट हुआ हो, जैसे कि हमारा आगे का बोनट हुआ, ऊपर की रूफ हुई, भाई माइंड मत करना गाड़ी थोड़ी गंदी है अभी, बट ये है कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इधर देखिए थोड़ा जूम करके बताएं, ये थोड़ा यहाँ स्क्रैचेस दिख रहे हैं हमको, लेकिन ये इतने से पार्ट चलता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी पुरानी खरीद रहे हो भाई, आप नई नहीं खरीद रहे गाड़ी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने अपनी वीडियो में कवर किए हैं, ताकि आप कोई गाड़ी परचेज करें तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो वो चीज़, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट भी ये देखा जाए तो पुरानी गाड़ी के अकॉर्डिंग, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए गाड़ी को परचेज करिए, ताकि आप भी फ्रॉड से बच सके जैसे हम बचे। हमने भी ये चीज़ें इंस्पेक्ट की थी गाड़ी परचेज करते टाइम, मे बी आप कभी गाड़ी परचेज करें तो ऐसे इंसान के साथ गाड़ी लेने जाएं वो जो थोड़ा समझता हो, थोड़ा जानता हो, इन चीज़ों को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके, जैसे हमने बताया उससे भी अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके, सारी चीज़ें अच्छे से देखें, ताकि गाड़ी जब आप चलाएं तो आपका गाड़ी ज़्यादा खर्चा नहीं मांगे, ज़्यादा पार्ट नहीं हो। तो भाई यही सब कुछ था, तो वीडियो बनाने के लिए थैंक यू भाई, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें भाई और थोड़ा सपोर्ट करें।